मदर जो थे वो हाउसवाइफ थे, मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, हम एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे। 20-30 साल से हम एक गवर्नमेंट क्वार्टर में ही रह रहे थे जो एक छोटा सा घर था। और एक दिन मेरे लाइफ में फॉरएवर आई। फॉरएवर आते ही जिस दिन मैं ऐसा मेरे जो ड्रीम्स थे वो जाग उठे कि मैं अपने सपनों को पूरा, जो मैं भूल चुका था, मेरे पास बड़े बड़े सपने थे, घर लेना, गाड़ियाँ लेना, घूमना फिरना, वो मेरे एकदम से वो सपने जागे। मैंने फॉरएवर को ध्यान से समझा और फॉरएवर करने का डिसीज़न लिया। उसी टाइम मेरी मैरिज हुई थी, तो मैरिज के बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी, बिकॉज़ मेरी वाइफ के जो मेरे साथ आने के बाद सपने होते हैं एक वाइफ के कि मैं आऊँगी इस घर के अंदर और एक अच्छा पति मुझे मिलेगा, वो पैसे की वजह से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ था मुझे करने पड़ा, क्योंकि वो अगर कोई सूट मांगना, कोई अच्छी चीज़ लेना, वो नहीं कर पाता था, क्योंकि मैंने जॉब क्विट करके फॉरएवर को शुरू किया था। दोस्तों, मैंने इतना तगड़ा डिसीज़न लिया था कि मैं जॉब करूँगा ही नहीं, कुछ भी नहीं करूँगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करूँगा। और फॉरएवर करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे, प्रोजेक्टर लेना था, लैपटॉप लेना था, उसको लेने के लिए मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया। और जो मेरी मैरिज में चैन आई थी, गोल्ड की चैन थी, मेरे जो गहने थे वो मैंने बेच के अपने सारे ये जो टूल्स थे उनको पूरा किया, प्रोडक्ट्स लिए, जिसके साथ मैंने प्रोफेशनली इस बिज़नेस को शुरू किया। और जब मैं करने लगा तो मुझे लगा कि आसान है, मैं कर लूँगा, बट लेकिन क्योंकि जॉब में मैंने सेल्स की थी और मेरे को लग रहा था आसान है, बट लेकिन मेरे को इसको सीखते सीखते एक सही ढंग से करने के लिए मेरे को ये अलग रास्ते को सीखने की बजाय मैं इसको करने लग गया। और मैं उसको करने उस वजह से, बिना सीखे करने की वजह से, बिकॉज़ पुराना जो गुमान था सेल्स का, उसकी वजह से मैं इसको 3 साल मैनेजर नहीं बन पाया। मेरे को तो 2-2.5 साल 3 साल मुझे लग गए ये बिज़नेस को सीखने में। और इसको सीखते सीखते फिर मैं 2-2.5 साल के बाद मैनेजर बना। और मैनेजर बनने के बाद फिर मेरे को एक अच्छा महसूस हुआ और मेरे को उस टाइम लगा कि मेरे सपने पूरे होने शुरू होंगे, बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। और वहाँ पर मैं मिलीनियर बना। मिलीनियर बनने के बाद मैं सीनियर मैनेजर बना। सीनियर मैनेजर बनने के बाद मैं सोरिंग मैनेजर बना। आज मेरे डायरेक्ट में 7 मैनेजर्स हैं और जिनके नीचे 1000 से ज़्यादा मैनेजर्स बन चुके हैं। ये सब और सब जो मेरे को, मैंने जो ये किया 3 साल के अंदर, जो मेरा जो डिसीज़न था उसके बाद, जो काम नहीं सीख पा रहा था उसके बाद, मेरे को मेरे गुरु मिले मनदीप सर, जिन्होंने मेरे को गाइड किया कि इस बिज़नेस को किस तरीके से करना चाहिए। और मैंने फिर उसको सही ढंग से प्रोफेशनल वे से इस बिज़नेस को किया और आज लाइफ जी रहा हूँ बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लाइफ जो सोचते हैं लोग, वो वाली लाइफ मैं जी रहा हूँ। 4 गाड़ियाँ ले चुका हूँ, अपना घर बना चुका हूँ, काफ़ी प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, और देश विदेश लाइक ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूके, इंडिया में 5-7 स्टार होटल्स में जाके अब मेरा खाना रहता है। और कहाँ मैं जॉब के अंदर कभी 5 स्टार के अंदर चाय पीने की भी नहीं सोच सकता था। सो दोस्तों, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट। सिर्फ इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न। जो मैंने डिसीज़न लिया था, वो जो डिसीज़न है वही लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और डिसीज़न ऐसा लेना दोस्तों कि या आर या पार। मेरा एक पुराना डायलॉग है कि जो लोग आर या पार की गेम नहीं खेलते वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, कहीं ये ना हो पाया तो वो हो गया। बट लेकिन दोस्तों, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और देखा कि पीछे मुड़ के अब कोई है रास्ता ही नहीं है जहाँ पे मैं वापस जा सकता हूँ, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर में कामयाब होना है। और उस वजह से मैं कामयाब हुआ और अपनी लाइफ को चेंज कर पाया। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ हैं। आप सभी ऐसे ही फॉरएवर के साथ जब जुड़ें और प्रॉपर वैसे मेहनत के लिए तैयार हो जाएं और तगड़े डिसीज़न के साथ करें कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर करनी है, अदरवाइज़ कुछ और नहीं करना, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। आज मेरे फादर मेरे पे प्राउड करते हैं। अभी मेरे फादर थोड़े दिन पहले, कोरोना से पहले, ऑस्ट्रेलिया जा के आए हैं, केरला जा घूम चुके हैं, कन्याकुमारी घूम चुके हैं, काफ़ी सारी जगहों पे वो घूम चुके हैं। जो एक अब लड़का अपने माँ बाप को नहीं देता, सिर्फ अपनी फैमिली को जॉब के साथ जी के अपनी सिर्फ वाइफ को, अपने बच्चों को देखते रहता है, मम्मी पापा को नहीं देखता। पर फॉरएवर से आज मैं अपने मम्मी पापा को देश विदेश घुमा रहा हूँ और गाड़ी लेके दे चुका हूँ अपने फादर को। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ फॉरएवर से। सो डिसीज़न लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, पूरा FLP इंडिया आपके साथ है। वी आर वेरी लक्की कि हमारे जो सीनियर है, हमारे जो
देश को लीड कर रहे हैं मिस्टर हरीश सर, उनका मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से इस बिज़नेस को आगे डेवलप किया, इंडिया को नंबर 3 से अब हम नंबर 1 पे लेके जा रहे हैं। वी हम सब तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए और बढ़िया तरीके से डिसीजन लिए। वी आर विद यू, थैंक यू वेरी मच जी।